डेंगू की चपेट में पूरा जिला संक्रमित हो चुका है। इसकी रोकथाम के लिए कैंट विधायक अशोक रोहनी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दादा ईश्वर दास रोहनी सेवा समिति और जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के सहयोग से वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविर में मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। सभी शिविरों में आने वाले लोगों की निःशुल्क रक्त जाँच भी की जा रही है और डेंगू से मुक्ति के लिए दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। वर्तमान मौसम में वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ता है और बढ़ा है। हम स्वास्थ्य विभाग की टीम सतत कार्य कर रही है, डोर टू डोर सर्वे कर रही है, लार्वा विनिष्टीकरण और इंटरनल फॉगिंग, नगर निगम के सहयोग से इंटरनल फॉगिंग, एक्सटर्नल फॉगिंग, स्प्रे फॉगिंग, ये सारा कार्य करती चल रही है। आदरणीय विधायक महोदय अशोक रोहाणी जी के निर्देशानुसार आज यहाँ एक फीवर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें निःशुल्क रक्त की जांचें भी हो रही हैं। विक्टोरिया की सारी टीम अपना पूरे स्टाफ के साथ यहाँ उपलब्ध है और सतत उनका इलाज कर रही है और दवाइयाँ भी दी जा रही है। जबलपुर शहर में डेंगू के कहर से को रोकने हेतु आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत वार्ड स्तर पर दादा रोहाणी सेवा समिति, विक्टोरिया की पूरी टीम, हमारे डॉक्टर अशोक मेढवानी जी की पूरी टीम आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं निःशुल्क रक्त जांच का यहां शिविर लगवाया है, ताकि लोगों की सही समय पर जांच हो सके, सही उनको रिपोर्ट मिल सके, ताकि उनका इलाज सही चल सके। इस भाव को लेकर दादा रोहाणी सेवा समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये शिविर लगाया और ये शिविर हम आने वाले समय में वार्ड स्तर पर लगाकर लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से समय पर अगर जांच हो जाए और समय पर इलाज मिल जाए तो बहुत जल्दी लोग ठीक होते हैं। इस भाव को लेकर हम लोगों ने यह शिविर लगाने का काम किया। शिविर लगातार जारी रहेंगे वार्ड स्तर पर।